पिछले साल 9 नवंबर के ही दिन अयोध्या के राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया और अयोध्या में राम के भव्य और दिव्य मंदिर का रास्ता साफ हुआ। इस साल 5 अगस्त को पीएम मोदी ने राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी और अयोध्या में भव्य और दिव्य राम के मंदिर का निर्माण का कार्य लगातार चल रहा है। राम मंदिर के निर्माण कार्य के साथ साथ देश भर के राम भक्तों को भी राम की नगरी अयोध्या पहुंचाने की कोशिशों पर भी काम चल रहा है। अयोध्या में अब राम नाम की ट्रेन चलेगी। जी हां, 12 दिसंबर से अयोध्या केंद्रित श्री राम पथ यात्रा टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। इस टूर में अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट में श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थल दिखाई जाएंगे। यात्रा के दौरान यात्रियों को शाकाहारी भोजन, आवास व दर्शनीय स्थलों तक परिवहन की पूरी व्यवस्था रेलवे द्वारा की जाएगी। इसकी बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से होगी। पर्यटक देहरादून, हरिद्वार, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, टूंडला, इटावा स्टेशनों पर इस ट्रेन से चढ़ या उतर सकते हैं। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से भगवान श्री राम के धार्मिक स्थलों के लिए रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाती थी, अब इसका स्वरूप बदल दिया गया है। रामायण एक्सप्रेस 16 दिनों का एक सामूहिक पैकेज था जिसमें भारत में भगवान राम से जुड़े हर महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा कराई जाती थी। इसी पैकेज में श्रीलंका के 4 स्थलों की भी यात्रा शामिल थी। दिल्ली से रवाना होने के बाद ट्रेन का अयोध्या में पहला पड़ाव था। इसके बाद ये हनुमानगढ़ी, रामकोट और कनक भवन मंदिर तक जाती थी। ट्रेन रामायण सर्किट के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयाग, सिरिंगपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वर को कवर करती और ट्रेन अपनी यात्रा तमिलनाडु के रामेश्वर में 16 दिनों में पूरी करती थी। लेकिन इस बार कोरोना के कारण इस ट्रेन को नहीं चलाया गया। अब इसकी जगह श्री राम पथ यात्रा ट्रेन शुरू की जा रही है।